ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो गाइस आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है जो YouTube पे वीडियोस बनाते हैं, जो एक क्रिएटर है। सो गाइस आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि दोस्तों आप YouTube पे एक सुपर चैट का फीचर्स आता है, उसको आप कैसे इनेबल कर सकते हैं, क्या जरूरी रिक्वायरमेंट्स है, क्या क्या वहाँ पे आपको फिल करना है, वहाँ पे एक फॉर्म दिया जाता है उसमें आपको क्या क्या भरना है, सारा जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रह सकती है, तो इस वीडियो को पूरा देखना, जरा सा भी स्किप नहीं करना। सो गाइस अगर आप इस चैनल पे नए आ गए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बगल में बेल का आइकन दिया होगा उसको भी प्रेस कर देना, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप वो वीडियो देख पाओगे। और वीडियो को लाइक करके जाना दोस्तों, लाइक करने का पैसा नहीं लगता और सब्सक्राइब करने का भी नहीं लगता। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, मैं आपको अपने डेस्कटॉप पे लेके चलता हूं और दिखाता हूं कि किस तरीके से आप इस फीचर्स को इनेबल करके, आपने कैरीज लाइव का चैनल देखा होगा, कैरीज लाइव जब कैरी भाई लाइव करते हैं तो आप देखोगे वहां पे बहुत लोग उनको सुपर चैट करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारा गेमिंग चैनल है जहां पे आपने देखा होगा कि सुपर चैट का फीचर वहां पे कैसे यूज होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप वो इनेबल कर सकते हैं अपने YouTube चैनल पे और क्या क्या जरूरी रिक्वायरमेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके सो गाइस इसके लिए सबसे पहले आपको अपने YouTube चैनल में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद दोस्तों आपको अपने क्रिएटर स्टूडियो में जाना है। क्रिएटर स्टूडियो में जाने के बाद दोस्तों आपको नीचे आपको ऑप्शन नजर आता होगा चैनल का, आप यहाँ पे कम्युनिटी के नीचे में देखेंगे आपको चैनल का ऑप्शन नजर आता होगा। सिंपली आपको चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। चैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे सुपर चैट का ऑप्शन दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मेरा इनेबल नहीं है, तो चलिए फटाक से यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं इनेबल पे क्लिक कर देते हैं। इनेबल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दिया हुआ है, तो आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको पहले ही ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरा फर्स्ट नेम पूछ रहा है। तो फर्स्ट नेम में आपको यहाँ पे आपका जो नाम है आपको वो आपका अपना नाम देना, जो आपका नाम है ओरिजिनल। तो मेरा यहाँ पे नाम मोहम्मद आसिफ खान है, तो मैंने एमडी आसिफ खान नाम दे दिया। यहाँ पे टाइटल में आपको अपने चैनल का नाम देना है और ईमेल एड्रेस जो आपका यूट्यूब का ईमेल एड्रेस है, जिस ईमेल एड्रेस आपका यूट्यूब चैनल है वही ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फोन नंबर देना है, जिस फोन नंबर से आपने अपने यूट्यूब चैनल को वेरीफाई कराया है, और ऐसा कोई जरूरी नहीं कि वही नंबर देना, कोई भी नंबर दे सकते हैं। तो मैं फटाक से अपना नंबर दे देता हूँ। नंबर देने के बाद आपको कंपनी नेम में फिर से अपने चैनल का नाम देना है, तो मैं ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सीधा सीधी। करने के बाद आपको यहाँ पे आई एक्सेप्ट यहाँ पे आपको नजर आता होगा, आप एक बार रीचेक कर ले अगर आपने कुछ गलत भरा तो फिर से रीचेक कर सके। मैंने अपने ईमेल एड्रेस कैपिटल में भर दिया, तो चलिए मैं इसे फटाक से स्मॉल में भर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों स्मॉल में भरने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे आई एग्री का ऑप्शन नजर आता होगा, उसके बाद नीचे में आपको आई एक्सेप्ट का ऑप्शन नजर आता होगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे एक मैसेज आएगा कि आपका सुपर चैट इनेबल कर दिया गया है। तो दोस्तों इसको आपको चेक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा अपने लाइव स्ट्रीमिंग में। तो चलिए फटाक से चलते हैं लाइव स्ट्रीमिंग में और आपको दिखाते हैं कि वहाँ पे मेरा सुपर चैट इनेबल हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए अपने वहाँ पे लेके चलता हूँ आपको। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा सुपर चैट जो है वो इनेबल हो चुका है, आपको यहाँ पे क्लियरली नजर आता होगा। तो चलिए मैं इस पे क्लिक कर देता हूं। जैसे इस क्लिक करूंगा तो यहां पे सुपर चैट का ऑप्शन आ गया, जैसे आप लोग यहां पे से पैसा आराम से भेज सकते हैं किसी के भी लाइव स्ट्रीम पे।